दोस्तों, नेपाल के गोरखा सैनिक सैकड़ों सालों से युद्ध लड़ते आए हैं। चाहे भारत हो या फिर ब्रिटेन, गोरखा सैनिक हर जगह युद्ध लड़ते हैं। लेकिन भारत की अग्निवीर योजना से नाराज होकर अब जो गोरखा सैनिक भारत की बजाय रूस की सेना से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन पैसों की वजह से इन गोरखा सैनिकों ने भारतीय सेना को छोड़ा, आज उन्हें न तो वह पैसा मिल रहा है और न ही उनके शव शहीद होने के बाद वापस नेपाल परिवारजनों तक पहुँच पा रहे हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के इतिहास को देखते हुए ये न्यूज काफी ज्यादा दुखद है। बता दें कि नवभारत टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारी तादाद में नेपाल के गोरखा सैनिक हमारी अग्निवीर योजना में शामिल होने की बजाय रशियन आर्मी में शामिल हो रहे हैं, ताकि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। इन्हें ऐसा करने के लिए भारी भरकम रकम का लालच दिया गया था, लेकिन अब हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि इन गोरखा सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ कई महीनों के लड़ाई के बाद कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही, ना ही इन्हें वह रकम मिल रही है जो इन्हें प्रॉमिस की गई थी, और ना ही सम्मान के साथ इनके शव वापस जा पा रहे हैं। हालात यहां तक जा चुके हैं कि कई मंथ की लड़ाई के बाद अब रशियन आर्मी इन गोरखा सैनिकों को लेकर वापस से सोचने लगी है, क्योंकि रूस का कहना है कि ये सैनिक उतनी अच्छी तरह से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे जितना उन्होंने उम्मीद की थी। अगर ऐसा हुआ तो नेपाली गोरखा लोगों के पास मौजूद एक और काफी बड़ी उपलब्धि खत्म हो जाएगी। भारत की अग्निवीर परियोजना के विरोध में कई गोरखा परिवारों के नौजवान भारत की बजाय रूस और यूक्रेन युद्ध में लड़ने पहुंच गए, लेकिन अब इन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। हाल ही में दो केसेस सामने आए, जिसमें पहले केस में रूस की आर्मी ने नेपाल में मौजूद एक सैनिक की बहन को फोन करके बताया कि उनका भाई युद्ध में शहीद हो गया है और वह उन्हें विदेशी धरती पर ही दफना चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि उस नेपाली गोरखा सैनिक का शरीर भी सम्मान के साथ वापस नेपाल में फाइनल रिचुअल के लिए नहीं लाया जा सकता, जो आप सोच ही सकते हैं कि भावनाओं पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचाने वाली घटना है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी नेपाल अपने शहीद हो चुके नौजवान का शरीर वापस नहीं ला सके। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट एक वीडियो से पता चला, जिसमें यूक्रेन की आर्मी ने कुछ रशियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे गोरखा जवानों को पकड़ लिया था, और इन्हीं में से एक की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया कि कैसे उनके परिवार को पैसों की जरूरत है और फिलहाल उन्हें वह बेनिफिट नहीं मिल पा रहे जो उन्हें प्रॉमिस किए गए थे। इसके अलावा गोरखा सैनिकों को धीरे धीरे अब एहसास होना शुरू हो चुका है कि रूस या यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ने से उन्हें कोई अच्छा कैरियर और स्थिरता नहीं मिलने वाली। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं साफ करती है कि गोरखा कम्युनिटी के लोगों के पास फिलहाल ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती का स्कोप बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऐसे में भारत की अग्निवीर परियोजना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से 4 साल की टेम्परेरी सर्विस और उसके बाद एक सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद परमानेंट सर्विस ऑफर करने की प्रक्रिया को लेकर नेपाल में लोग सहमत नहीं है। नेपाल की सरकार की तरफ से भी काफी कड़ा विरोध किया जा चुका है। इसके अलावा अग्निवीर के तहत और भी कई ऐसी सुविधाओं को रद्द किया गया जो पहले पारंपरिक भर्ती में दी जाती थी, जिसमें पेंशन समेत दूसरी स्कीम शामिल है। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अग्निवीर परियोजना भारत ने इसलिए सामने रखी ताकि हम बदलते समीकरण के साथ अपने तौर तरीकों में बदलाव ला सके, और भारत सरकार मिलिट्री के लिए हर साल जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, वह बस सैलरी और पेंशन की बजाय मॉडर्न हथियारों की खरीद समेत एडवांस वारफेयर कैपेबिलिटी को विकसित करने में खर्च किया जाए। अग्निवीर परियोजना आने वाले समय में भारतीय मिलिट्री को नए रूप में लाने के लिए काफी जरूरी है। इससे हम सामाजिक स्थिति के हिसाब से अपनी जनता में नए टैलेंट को भी जाने के लिए तैयार करेंगे, और हमारे उन जवानों का भविष्य भी सिक्योर होगा जो अग्निवीर में 4 साल तक मिलिट्री के लिए सर्विस देकर एक अच्छी खासी रकम के साथ सर्विस से बाहर जाएंगे। लेकिन फिर भी नेपाल सरकार को लगता है भारत की ये परियोजना उनके हित में नहीं है, जिसका नतीजा क्या है अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में नेपाल के लिए फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प तो यही होगा कि वे अपने गोरखा और दूसरे नौजवानों को दूसरे देशों में इतनी दूर जाकर युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय अग्निवीर परियोजना का समर्थन करे और अपने लोगों को समझाए कि ये बदलते समय की रियलिटी है और इससे उन्हें नुकसान नहीं होने वाला। साथ ही नेपाल सरकार को ये भी बताना चाहिए कि अग्निवीर परियोजना से उनके लिए आर्मी में सर्विस देने के साथ साथ दूसरे कई सेक्टर में अवसर और भी ज्यादा वाइडली ओपन हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में उनका भविष्य और भी ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन गोरखा जवानों की इस हालत पर काफी ज्यादा दुख होता है। इसी के साथ भारत को भी गोरखा सैनिकों से और नेपाल सरकार से बात करके इसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि गोरखा का इतिहास भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर
वॉरियर से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।